इंतजार कर रहे थे। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सीयूटी अड्डा 24/7 के ऊपर। और यहां पे हम लोग जिस चीज का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि सर 30 तारीख नजदीक आ रही है अप्रैल की, क्या हमारा सिटी इंटीमेशन उस दिन रिलीज किया जाएगा या फिर कब रिलीज किया जाएगा, ये बहुत सारे सवाल आप सभी के चल रहे थे। तो उसी को लेकर यहां पे एक इंपॉर्टेंट अपडेट आ गई है, उसी की बात हम लोग इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अपने जितने दोस्त हैं फ्रेंड्स सभी को बता दीजिएगा, जिनसे उन सभी को भी इस चीजों के बारे में पता रहे। आप सभी को बताया कि जब पहले बार आप लोगों का यहाँ पे सिटी इंटीमेशन जब रिलीज होगा उससे पहले आप लोगों को याद होगा कि आप लोगों का एक जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था उसके अंदर बोला गया था कि भैया आप लोगों का जो सिटी इंटीमेशन है वो 30 अप्रैल 2024 को क्या कर दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा। एनटीए की तरफ से ये अपडेट निकल के आई, राइट है भाई? बोलो, हो गया? जल्दी बताइए, एनटीए की तरफ से क्या हुआ? ये अपडेट निकल के आई कि सर हमारा क्या होगा, यहां पे 30 तारीख के आसपास है वो रिलीज कर देंगे और सेकंड वीक ऑफ मई के अंदर हमारा जो पूरा का पूरा एडमिट कार्ड्स हैं वो हमारा क्या देखने को मिल जाएगा। ये बहुत सारे सवाल थे, लेकिन इसी सवालों के ऊपर यहां पे जो एम जगदीश कुमार जी हैं यूजीसी के चेयरपर्सन, उन्होंने ट्वीट करके सारी चीजों को क्लियर कर दिया कि भैया आप लोगों का सिटी इंटीमेशन कब रिलीज किया जाएगा, किस तरीके से सारी चीजें इसके अंदर होने वाली है उसके ऊपर भी सारी चीजें उन्होंने बता दी। तो यहां पे फाइनली उन्होंने ट्वीट करके आप सभी को बताया है कि यहां पे क्या लिखा है, द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इज लाइकली टू अनाउंस द सिटी इंटीमेशन एग्जामिनेशन इंफॉर्मेशन फॉर सीयूटी यूजी बाय 5th में और अर्लियर। यानी कि ये मान लीजिए कि जो लास्ट डेडलाइन है वो है 5th में, या तो 5th में को रिलीज कर देगी या फिर आप लोगों का हो सकता है कि 4th में को भी रिलीज कर दे। लेकिन उन्होंने यहां पे आपको एक क्लियरिटी दे दी है, अगर आप लोग इसको देखोगे तो यहां पे आप सभी को क्या था, स्टार लगा हुआ था। स्टार का मतलब ये होता है कि डेट आप लोगों की क्या है, वेरी कर सकती है। लेकिन इन्होंने यहां पे फाइनली कंफर्मेशन आप सभी को प्रोवाइड करा दिया है कि सर इसके अंदर क्या होने वाला है, राइट है? इन्होंने यहां पे आप सभी को कंफर्मेशन दे दिया, साथ ही साथ इन्होंने आपके जो एडमिट कार्ड्स हैं उनकी भी चीजें बता दी है कि यार डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड फ्रॉम द एनटीए वेबसाइट विल बिगिन इन द सेकंड वीक ऑफ मई 2024। यानी कि सेकंड वीक का मतलब सीधा सीधा यह है कि जब भी आप लोगों का एग्जामिनेशन स्टार्ट होता है, अब आपको बताया कि यार एग्जामिनेशन की जब बात की जाती है तो 15 तारीख से आप लोगों के एग्जाम्स लगे हुए हैं, और जब ये 15 तारीख से एग्जाम्स आप सभी के लगे हुए हैं तो इसके अंदर चीजें आप सभी को पता होनी चाहिए, राइट है भाई? क्लियर है? समझ में आया नहीं है? यानी कि सर यहां पे फाइनली उन्होंने डेट आप सभी के लिए अनाउंस कर दिया कि 5th में को रिलीज कर दिया जाएगा, या हो सकता है कि एक दिन पहले, या फिर ओनली ये मान के चलिए कि आप लोग 5th में तक आप सभी का जो आपका सिटी इंटीमेशन है वो रिलीज कर दिया जाएगा। साथ ही साथ एडमिट कार्ड सेकंड वीक से है, और ये मान के चलेंगे अगर सेकंड वीक की भी यहां पे बात करता हूं तो यहां पे क्या होगा बेटा, यहां पे आप लोगों का 12 तारीख या मैक्सिमम 13 तारीख की सुबह तक आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। ये पूरी इनकी तरफ से सारी प्रतिक्रिया है वो आपके सामने आ गई है, तो इनको आप लोग शेयर कर दीजिएगा जिससे मैक्सिमम लोगों को इनके बारे में पता लग जाए, ठीक है बेटा? और सबसे बड़ी बात आप सभी को मैं यहां पे बताना चाहूंगा वो ये है कि आपको पता होगा कि अड्डा 24/7 सीयूटी के ऊपर ऑल इंडिया मॉक टेस्ट चल रहा है भाई, फ्री ऑफ।